प्रत्येक एक आदमी को, भारत के हो चाहे विदेश के हो चाहे देश के हो, कहीं के भी परदेश के, सब जानते हैं कि इनमें कितनी शक्ति है। ये जब जाग जाएंगी, जो जो लेडीज, जो एक महिला सर्जन कर रही है, वो बच्चे पैदा कर रही है, वो एक सर्जन कर रही है, वो क्या नहीं कर सकती है? ऐसा कोई काम ही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई काम है जो वो नहीं कर सकती, वो सब कर। मतलब हमने तुम्हें डोली में भेजा था, अर्थी से ही बाहर निकल के आना है बने तुम्हें। क्या होते हैं, हमें कुचला जाता था, इस तरह पैर की जूती समझते हैं और कहते हैं कि तुम पैर की जूती हो, वो बाहर निकलनी चाहिए, इंडिपेंडेंट बननी चाहिए, सेल्फ डिपेंड होनी चाहिए, अपना कहीं आना जाना है, डिस्कस करना है, तो हमें वो ताकत, वो जुनून होना चाहिए। राजस्थान में तो किसी भी महिला को निकलना बहुत बड़ी और बहुत ही टिपिकल बात है, तो यहाँ तक पल्ला करना, आवाज ऊंची नहीं, बाहर नहीं जानी चाहिए, नाखून नहीं दिखने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कच्चे मुझे घूमना है, लेकिन मेरी फैमिली में कोई लाइक नहीं करता। तो मैं पिंक सिटी जयपुर से बात कर रही हूँ, नेहा शर्मा नाम है मेरा, और मैं कई ऐसी संस्थाओं से जुड़ी हूँ, अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लाइक दिस एक या दो में बता देती हूँ, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कल्पतरु संस्थान, जहाँ पर हरियाली के ऊपर फोकस किया गया है। इसके अलावा मैं अपना प्रोफेशनल की बात करूँ, बाई प्रोफेशन तो मैं जॉब करती हूँ, और जॉब के साथ मैं अपनी फैमिली और अपना घर भी, और अभी बात करूँ फैमिली की तो एक न्यूरिकल फैमिली बोल सकते हैं, वैसे मेरे घर में फैमिली में सब हैं, बट अभी एक स्ट्रगल वाली लाइफ चल रही है मेरी, तो मैं अभी जयपुर रह रही हूँ और जॉब कर रही हूँ। जॉब के साथ साथ मेरा एक ड्रीम है, मेरा एक ड्रीम है कि मैं, मतलब कहा गया है कि हमारी भारत धरती सोना उगले, है ना, इस तरह से जो हमारी सोने की चिड़िया कहा गया है हमारे भारत देश को, तो मेरा बचपन से ही एक शौक रहा है कि मुझे घूमना है, लेकिन मेरी फैमिली में कोई लाइक नहीं करता। तो सबसे पहले स्ट्रगल तो मेरी फैमिली से ही आ जाता है कि मेरी फैमिली में सब, मतलब हमें अवॉइड करते हैं, लड़के हो तुम लड़कियों की तरह रहो, और मेरी फैमिली जो बैकग्राउंड जो है वो, मतलब आज की बात करूँ वैसे हम 2000 में हैं, बट मेरी फैमिली की बात करूँ तो 18 से भी पहले के हैं, उनकी ख्यालात उनकी सोच उसी तरीके की है, आज भी रूढ़ीवादी है। जब मैं ससुराल आई तो मेरी ससुराल वाले तो उनसे भी ज़्यादा रूढ़ीवादी मिले, जो यहाँ तक पल्ला करना, आवाज ऊंची नहीं, बाहर नहीं जानी चाहिए, नाखून नहीं दिखने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कच्चा मकान कच्चे, इस तरीके से, तो बहुत सारा एक ये अलग बात हो गई कि हम, मतलब स्टार्टिंग जो मैं बता रही हूँ कि दिल्ली में पढ़ी वली में, वहां से मेरी पढ़ाई हुई, स्टडी हुई, मेरे फादर दिल्ली ले गए थे हमें, मतलब दिल्ली से, या मेरा तो बॉर्न भी दिल्ली का ही हुआ था, फिर वहां से पढ़ाई लिख करके, लेकिन शादी मेरी राजस्थान में हुई, और राजस्थान में हुई तो वो उनसे भी ज्यादा रूढ़ीवादी, अब एकदम से लाइफ ही चेंज हो गई कि कहाँ मैं दिल्ली में पढ़ी लिखी फ्रीडम के साथ में, और फिर मैं, मेरी जो शादी हुई वो यहाँ राजस्थान में हो गई, राजस्थान में बहुत सारे मेरे पास चैलेंजेस आए, और मैंने देखा जब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसी कितनी महिलाओं के साथ भी हुआ होगा कि जिनको इस तरीके से स्ट्रगल करना होता होगा, लेकिन गांव में तो चल जाता है, जब बात करते हैं हम सिटी की तो सिटी में नहीं है। तो एक अवेयरनेस की बात करती हूँ करूँ तो मैं, कि भाई लेडीजों के अवेयरनेस के लिए बात करें तो आज बहुत सारी महिलाएं बहुत आगे आ गई हैं, पर मुझे बहुत सारी चीज़ें जब मैं देखती हूँ तो आज भी है वो कल्चर जिसके लिए हमें, लेडीजों के लिए वो होना चाहिए कि वो बाहर निकलनी चाहिए, इंडिपेंडेंट बननी चाहिए, सेल्फ डिपेंड होनी चाहिए, अपना कहीं आना जाना है, डिस्कस करना है, तो उनमें वो ताकत वो जुनून होना चाहिए। अभी मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी नहीं कर पाती थी, मतलब मुझे कहीं जाना होता तो मुझे पहले उनसे बात करनी पड़ती थी, डर लगता था कि कैसे बात करूंगी, मेरा ये कैसे, मतलब वो हम महिलाओं को तो देखा ही नहीं जाता था कि सपने क्या होते हैं, हमें कुचला जाता था, इस तरह पैर की जूती समझते हैं और कहते हैं कि तुम पैर की जूती हो, ज्यादा हवा में ना उड़ो, इस तरह की बातें करते हैं। तो इस इन चीजों से निकल करके मैं बाहर आई, आज मैं जयपुर रह रही हूँ, 10 साल हो गए मुझे जयपुर रहते हुए, और मैंने अपना स्टडी आगे बढ़ाया, और स्टडी के साथ साथ मैंने अपना जॉब भी करा, बहुत स्ट्रगल आए, बहुत सारे, बहुत ऐसे ऐसे चैलेंज आए जो मैं नहीं बता सकती, बट अब आगे चल करके हम बात करते हैं कि ये एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे, तो चैलेंजेस तो बहुत आते हैं ट्रैवल करने में, और मेरी फैमिली मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती जाने में, तो उनको ये लगता है क्या नाम है कि अरे यार अभी कहाँ इन्हें इतने, अभी आपकी उम्र नहीं है, मेरे फ्रेंड सर्कल में और मेरे ऑफिस में भी मुझे ऐसा कहा जाता है कि अभी से तुम कहाँ जा रही हो, ये क्या गंगा स्नान करना और ये ऐसी बातें करती हो तुम, अभी तो तुम्हारी लाइफ है, अभी इसको अच्छे से जियो, इसको अभी तुम एंजॉय करो, तो मैं उनसे ये कहती हूँ यही मेरा असली एंजॉय है, जो दर्द जो फील जो पेन मैंने किया है, जो मेरी लाइफ में बचपन से पेन चलता आ रहा है, मैं जानती हूँ कि किस तरीके से होता है, वो महिलाएं नहीं आ सकती, सिर्फ वो ही महिलाएं आ सकती हैं यहाँ पे जो सेल्फ डिपेंड होंगी, जो इंडिपेंडेंट होगी, जिनके घर में उनकी चलती
होगी, क्योंकि हर घर में हर महिला की नहीं चलती जहां पे, और खासकर राजस्थान का पार्ट, और कहीं की तो मैं बात नहीं करूंगी, मेरा जन्म तो दिल्ली में हुआ है बट मैं राजस्थानी हूँ और अलवर डिस्ट्रिक्ट में मेरा गाँव है, मेरे फादर वहीं के हैं, हमारा कल्चर वहाँ का है, बट मैं दिल्ली में बॉर्न हुआ है, मैं और मेरे छोटे ब्रदर, तो मैं इतना नहीं जानती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है और तब से मैंने देखा है, राजस्थान में तो किसी भी महिला को निकलना बहुत बड़ी और बहुत ही टिपिकल बात है। हाँ, एक पार्ट है इसमें कि सिटी, जो सिटी में है और जिनके हाई एजुकेशन, जिनके फादर हैं आईएएस हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, सिर्फ उनकी फैमिली में उनकी लड़कियों को अच्छी परवरिश दी गई है, ऐसा नहीं कह रही मैं, बाकी वो भी मिली होगी बट कम चांसेस हैं, जैसे कि 25% ओनली, और हमारे जैसे इधर रूढ़िवादी परिवार में तो सवाल ही नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, उनके लिए एक मैसेज देना चाहूंगी, उन महिलाओं को अपनी जागरूकता के लिए खुद करना होगा, और आजकल हमारे यूट्यूब चैनल, गूगल बाबा और इंस्टाग्राम, इतनी चीजों से उनको अवेयरनेस मिल रही है। आज मोदी जी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन दे दिया, नहीं तो कोई भी नहीं जानता था, कितनी महिलाएं थी। आज मैं देखती हूँ कि ऐसी ऐसी जो लहंगा चुन्नी पहनती हैं, जिनको कभी साड़ी बांधना नहीं आता, जिनको कभी पता नहीं है, आज वो भी स्मार्टफोन से काम कर रही हैं, वो भी स्मार्टफोन चला रही हैं। तो वो उन चीजों से सीखें, जागें कि क्या हो रहा है, कैसे, उनको शिक्षा कितनी जरूरी है, और शिक्षा के साथ में उनके उनके पर्सनली इंडिविजुअली उनको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनका भी अधिकार है। जैसे कि भारत में महिलाएं आगे आ रही हैं, बहुत आ रही हैं, लेकिन आज भी कहीं पे दबी और कुचली जाती हैं। एक सबसे एक छोटा सा मैं कहना चाहूंगी एक महिलाओं के लिए, कि जितनी भी महिलाएं आगे आना चाहती हैं वो आए, और बहुत बड़े चैलेंज आते थे, मैंने जो सफर करा है और इतने साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ, कि वो अपने बल पर ही, अपने बलबूते पर आए, आगे निकले, उनका अधिकार है। अपने घर में प्यार से समझाएं, अच्छे से समझाएं, चाहे वो लड़के समझाएं, मैं नहीं कहती कि लड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, पति परमेश्वर होता है, मैं भी मानती हूँ कि पति परमेश्वर होता है। अच्छा, क्यों पति परमेश्वर क्यों होता है? पति परमेश्वर इसलिए होता है कि वो हमारा लालन पालन करता है। अगर महिला के घर में खाना नहीं होगा, दाना नहीं होगा, तो रोटी नहीं बनाएगी, तो वो ये कह देगी कि आज आटा नहीं था तो मैंने रोटी नहीं बनाई। लेकिन क्या कभी किसी के पति ने ये कहा है कि आज मैं, मेरे को रोटी से पैसा नहीं मिला तो मैं घर पर राशन नहीं लेके आऊंगा? नहीं, चाहे वो कहीं से भी लेकर आएगा, मांग के लेकर के आएगा, लेकिन वो उसका पालन पोषण करता है। आई रेस्पेक्ट, मैं उन सभी जेंट्स की रेस्पेक्ट करती हूँ, तहे दिल से करती हूँ, लेकिन इसमें है ना, कुछ आदमी ऐसे हैं जिन, मतलब क्या बोले कि एक नहीं कहना चाहती, लेकिन यहाँ ना मैं खुद पहनूं, कि उनको चाहे उनके आगे हीरा रख देना तो भी उनको कदर नहीं है, वो हमेशा पैर की जूती ही समझते हैं, उन्होंने कुचला है वो ये बढ़ने ही नहीं देते। एज मैं हूँ, मैं दिल्ली से पढ़ी बड़ी हुई, मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं पढ़ने दिया, मेरी फैमिली ने नहीं पढ़ने दिया मुझे, मुझे ये कहा गया कि हिंदी में बात मत करो, मेरे ससुराल में मुझे ये कहा गया कि हिंदी छाटती है, ऐसी, मतलब मैं क्या बताऊँ कि मेरे इतनी इतनी चीजें नहीं बता सकती मैं, सारी बातें शेयर नहीं कर सकती। आप छोटी छोटी अगर जो मेरे दिल से जो निकल रही है ना, मैं रोकते रोकते भी जो चीजें निकल रही है, आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि मैं किस फैमिली में रही होंगी, किस कितनी, मतलब कितनी बाउंडेड होंगी, यहाँ तक राजस्थान में, यहाँ तक पल्ला निकालना, अब मुझे पल्ला भी नहीं आता था, फिर भी पल्ला निकालना, वहां पे बातें बन जाती जोर से, और ये तो ऐसे बोलती है वैसे बोलती है, पता नहीं क्या क्या था। एक एक गाली होती है ना, मैं जब मैं दिल्ली में थी, मुझे उनका कुछ भी लैंग्वेज नहीं समझ आती थी, वो गांव की भाषा में क्या बोलती थी, पर वो मुझे एक गाली देती थी, मेरी शादी के दूसरे दिन ही बोलती, रांडा दिल्ली की है, रांड दिल्ली की है, तो ये शब्द बड़ा अखरता था। उस सिचुएशन में भी मैं उनके साथ में आज तक मैं हूँ वहां पर, तो इतनी इतनी मतलब रूढ़िवादी, और मैं कह नहीं सकती, मतलब मैं यहाँ पे मैं इतनी हर्ट हो रही हूँ कि जिसका ना पति भी ऐसे बोलते तो कैसे वो सर्वाइव करेगी। मैंने बहुत सर्वाइव किया है, मैंने मेरे फादर में कुछ चैलेंजेस आए, मैं मेरे फादर के पास गई, मेरे मदर के पास गई, तो उन्होंने बोला कि हमने जब मेरे तुम्हारी विदाई थी तब तुम्हारे कान में एक ही बात बोली थी, तो वो ये बात थी कि तुम ससुराल की बात घर नहीं कहोगी और घर की बात ससुराल नहीं कहोगी, कभी नहीं बताओगी यहाँ की बात वहां और वहां की बात यहाँ, तुम्हें मरना पड़े मर जाना, वो मतलब हमने तुम्हें डोली में भेजा था, अर्थी से ही बाहर निकल के आना है तुम्हें, तो उनके संस्कार उनके आड़े आ रहे हैं। लेकिन अगर मेरे साथ कोई चैलेंज होता, उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी मेरी, आज तक भी नहीं करते, वो कभी नहीं करी उन्होंने, उनको लगता था कि अगर हम इनको कुछ करेंगे ना, इनको सपोर्ट करेंगे, तो ये सीधा घर छोड़ करके, वहां छोड़ के हमारे पास आ जाएंगी, तो इसलिए वो सपोर्ट नहीं करते थे। तो यहाँ आइडिया लगा सकते हो आप क्यों कितने रूढ़िवादी होंगे, हम दिल्ली में रह करके भी इस तरह रहते थे जैसे बुरखा पहन के रहते हैं, चुन्नी ओढ़ करके, ये ओढ़ करके, वो ओढ़ करके, इस तरीके से हमें रखा जाता था,
टाइट फिटिंग के कपड़े नहीं पहनने दिया जाता था, नेल पेंट नहीं लगाया जाता था, उस टाइप के मेरे फादर थे। मेरी फैमिली ऐसी थी दिल्ली में रहते हुए। और उसके बाद में जब ससुराल आई तो उससे भी ज्यादा, बोले कुएं में से गिर के खाई में गिरना, वो वहां उससे भी ज्यादा गंदी लैंग्वेज, मानसिक टॉर्चर करना, वो ये कहना वो करना, उन चीजों से आज मैं लाइक दिस निकल के, चलो बहुत स्ट्रगल है मेरी लाइफ में, मैं अपने लाइफ की ज्यादा बात नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, इन चीजों से मैं ये कहूंगी कि एक ये जो मैं कह रही हूँ, इन चीजों से मेरी जो माताएं बहने हैं ना, जो मातृशक्ति है, और वो रियल में मातृशक्ति है, बट उनकी मातृशक्ति को उनको उजागर नहीं किया जाता, उनको दबाया जाता है। उनको उनको पता है, हर प्रत्येक एक आदमी को, भारत के हो चाहे विदेश के हो चाहे देश के हो, कहीं के भी परदेश के, सब जानते हैं कि इनमें कितनी शक्ति है। ये जब जाग जाएंगी, जो जो लेडीज, जो एक महिला सर्जन कर रही है, वो बच्चे पैदा कर रही है, वो एक सर्जन कर रही है, वो क्या नहीं कर सकती है? ऐसा कोई काम ही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई काम है जो वो नहीं कर सकती, वो सब करती है। लेकिन उनको दबाया जाता है, उनको कुचला जाता है, ताकि इनमें अवेयरनेस नहीं आ जाए, ये हमारे सिर पे नहीं चढ़ जाए, फिर इनको दबाएंगे कैसे, ये हमारे हाथों से निकल जाएगी। इस तरह की जो सोची कुचली पुरानी सोच है, उनसे बाहर निकले, उन माताओं बहनों से। सिर्फ मैं आज हर्ट हूँ और मैं आज जो बात कर रही हूँ, तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं एक व्यू लिया था जब मैं वहां थी गांव में, तो प्रत्येक लेडीज से मैं पूछती थी कि यार क्या मेरे साथ जैसा हो रहा है ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ था? तो वो है ना, वैसे नहीं बोलती थी, सबके सामने नहीं बोलती थी, लेकिन मैंने एक लगा 95% लेडी, 95% लेडी ऐसी है वहां पर कि इतनी परेशान है, इतनी दुखी है, पर वो ओपन नहीं कह सकती हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बोला है ना, कभी एक बार मेरे साथ गलती से मैंने बोल दिया, यार यार फलानी भी मेरी तरह बुरा है। अरे किसने कह दिया? बहुत तेज झगड़ा हो गया, मतलब मैं फिर उसके बाद में मैंने देखा कि भाई यहाँ किसी को कहना इंडिविजुअल बेकार है, ठीक है। लेकिन आज वो व्यू मेरे पास में है, मुझे पता है कि कितना है। तो इन चीजों से मैं यही एक संदेश देना चाहूंगी कि महिलाओं को आप जागरूक हों, बहुत सारी चीजें हैं, अपने लिए काम करें, घर परिवार है, अपने बच्चे भी पालें, जॉब भी करते हैं, जॉब कर रही हैं बहुत सारी महिलाएं, बहुत अच्छी अच्छी जॉब कर रही हैं, बाहर निकली भी हैं, और भी बाकी निकलना चाहिए। और लास्ट में जो मैं, सॉरी, इससे पहले जब मैं बात कर रही थी, तो मैं ये कह रही थी कि वो अपने बलबूते पे निकले, अपना बलबूता, इट मीन्स कि पहले वो अपनी फैमिली को समझाए, अपनी फैमिली में कहे कि ये मेरे अंदर है, वो पारदर्शी बन करके रहे कि मेरे अंदर देखो ये विचार आया है, मेरे अंदर में ये करना चाहती हूँ, वो क्या कहते हैं, फिर उससे फाइट करनी है, उस बात को लेकर के फाइट करनी है, उनको समझाओ, अगर तुम राइट हो, अच्छे हो, तो वो सपोर्ट करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, फिर तुम्हें घर से बाहर कदम निकालना है। इससे पहले अगर तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो तुम्हें उसी पे रहना है, उसी के हिसाब से तुम्हें बाहर निकलना है, और वो तुम्हें पक्का सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की आजकल लेडीजों के साथ जो हो रहा है, बच्चियों के साथ जो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जो लेडीजें बाहर निकली उनके साथ ये चैलेंज नहीं आते, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे चैलेंज आए हैं, बट मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगी, बट मुझे ना किसी उसके पता चल जाता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। तो बहुत मुश्किल होता है एक लेडीज को उन चीजों से बाहर निकलना। कई बार होता है कि हम जिस एनवायरमेंट में बैठे होते हैं उनके प्रति कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमें हमारा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर रखना है, और उससे फाइट करनी है और बाहर निकलना है। विश्वास किसी पे नहीं करना, मेन पॉइंट मेरा यह है कि किसी पे भी विश्वास नहीं करना। जब तुम्हें अपना लगे कि हाँ अब मैं सही हूं और राइट हूं, तो तुम्हें सारी चीजें देख करके ही आगे बढ़ना है।